101 साल पुराने बुजुर्ग ताजुल औलिया हजरत बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह और जुलूस इमाम हुसैन। आप बाबा साहेब रहमतुल्लाह अलैह का यह दस्तूर था कि हर साल मुहर्रम की 12 तारीख को हरे रंग का जुब्बा पहनकर मैदान करबला को जाते। महाराजा बहादुर की सवारी निकलती, आगे पीछे घुड़सवार नेजे लिए हुए होते। बाबा साहेब के साथ मोहम्मद हुसैन, बाबा अमीरुद्दीन, ख्वाजा मुहैयुद्दीन वगैरह की गाड़ियां होती और चारों तरफ अकीदतमंदों की भीड़ होती। हुजूर की बग्गी के करीब दो निशान बरदार अदब से चलते थे। इस साल मुहर्रम की 12 तारीख को बाबा साहेब ने अलम बरदार से अलम अपने हाथ में ले लिया और या हुसैन की सदाएं बुलंद होने लगी। लोग जौक दर जौक बाबा साहेब के कदम बोशी को आगे आने लगे। हिंदू मुसलमान सभी बाबा साहेब के दीदार की शराब से झूम रहे थे। बाबा साहेब अशआर पढ़ रहे थे। इस तरह मैदान करबला जाकर बाबा साहेब वापस हुए। ये 2 अगस्त 1925 का दिन था।